शहीद हो गए उनके ऊपर जो प्रहार किया गया है, जग जाहिर है कि नीतीश कुमार की सरकार किस प्रकार से हमारे विजय जी के साथ व्यवहार किया है, जनता सब देख रही है। और जनता आपको नीतीश कुमार माफ करने वाली नहीं है, अब जनता के कटघरे में खड़ा है। आने वाले दिनों में जनता आपको, बिहार की जनता आपको चुन चुन कर जवाब देगी। देखिए, आज भाजपा के द्वारा प्रदर्शन जो है उसको दिखाया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। कारण आपको पीछे दिख रहा हो किस प्रकार से एक जो भाजपा कार्यकर्ता यानी कि जिला महामंत्री हैं विजय सिंह जी, उनका निधन हो जाता है। खबर ये सामने निकल के आती है कि उनका लाठी चार्ज के दौरान निधन होता है। अब इसमें प्रशासन ने भी अपनी सफाई दी है। नमस्कार, आप बिहार संवाददाता देख रहे हैं और मैं हूँ आशुतोष त्रिपाठी। देखिए, तमाम कार्यकर्ताओं का, तमाम नेताओं का जुटान जो है वो भाजपा कार्यालय के सामने होना चालू हो गया है। और 15 जुलाई यानी कि जो आज का दिन है, उस दिन ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जो लाठी चार्ज जो हुआ था उसको लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार बिहार की महागठबंधन सरकार ने बर्बरता पूर्वक बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर खास करके जो प्रहार किया है, और जिस प्रकार विजय सिंह जी की हत्या की गई है लाठी से मारकर, निश्चित रूप से आने वाले समय में बिहार की जनता 2024 और 25 में नीतीश कुमार को सबक सिखाकर उसका बदला लेगा। और एक बात बताइए, विजय सिंह जो थे समर्पित कार्यकर्ता थे, जिला महामंत्री थे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो प्रदर्शन में शामिल ही नहीं हुए थे, वो छज्जू बाग में ही पाए गए हैं। विजय सिंह जी प्रदर्शन में शामिल होने आए थे यहाँ पर। कोई भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता इतना बड़ा कार्यक्रम में अगर पटना में है, डाकबंगला चौराहा पर आ रहा है, तो आरती दिखाने के लिए नहीं आ रहा है, वो यात्रा में शामिल होने आ रहा है, वो मार्च में शामिल होने आ रहा है। नीतीश कुमार भी कितना भी जो तेजस्वी यादव कितना भी बहाना बना ले, ये सरकार निकम्मी सरकार को भारतीय जनता पार्टी उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। आज आप लोग धरना कर रहे हैं, क्या विजय सिंह जी के परिवार को, उनको इसका न्याय मिल पाएगा? देखिए, जिस प्रकार से हमारे निहत्थे भाई विजय कुमार सिंह जी जो शहीद हो गए, उनके ऊपर जो प्रहार किया गया है, जग जाहिर है कि नीतीश कुमार की सरकार किस प्रकार से हमारे विजय जी के साथ व्यवहार किया है, जनता सब देख रही है। और जनता आपको नीतीश कुमार माफ करने वाली नहीं है, अब जनता के कटघरे में खड़ा है। आने वाले दिनों में जनता आपको, बिहार की जनता आपको चुन चुन कर जवाब देगी, वह दिन याद करेंगे। और आज हम धरने के माध्यम से तमाम बिहार वासियों को, भारत वासियों को कह देना चाहते हैं कि यह बिहार के अंदर नीतीश कुमार और डीपी सीएम जो है तेजस्वी, ये दोनों बौर आ गए हैं। हमारे निहत्ते लोगों के ऊपर जिस तरह से प्रहार कर रहे हैं, या आने वाले दिनों में समुचित जवाब देगी जनता। और यो जो निहत्ते लोगों के ऊपर जो वार किया है, यह कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। इसलिए जो नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के जो पुलिस कर्मियां हैं, जिस प्रकार से हमारे लोगों के ऊपर प्रहार किया है, वह आने वाले दिन आपके लिए काले अक्षरों में लिखा जाएगा आपके जीवन वृत्त में। किशोर जी हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। किशोर जी, कल आप लोग माननीय राज्यपाल से मिलने गए थे, क्या आश्वासन निकला और आगे बिहार में आगामी किस योजनाओं के बारे में चर्चा की, विजय सिंह को न्याय मिल सके उसको लेकर? राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराया और हम लोगों ने उनको मेमोरेंडम दिया है। हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है पूरे मामले की सिटिंग जज से जांच कराई जाए या फिर सीबीआई से जांच कराई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। क्योंकि किन्हीं की भी मृत्यु हो बेहद दुखद होती है, लेकिन ऐसे प्रशासन ने ट्वीट करा है, सीसीटीवी फुटेज डाला है कि जो विजय सिंह थे वो छज्जू बाग में अचेत अवस्था में पाए गए थे, उसके बाद उनको अस्पताल जो ले गया था तारा मेडिकल में।
आत्मा की शांति के लिए। देखिए मैं करते हैं प्रशासन का जो रवैया है वो तो सरकार के इशारे पे हो रहा है। और एक बात आप भूल रहे हैं, प्रशासन ने ये बात कही थी कि सबसे पहले वो जेपी गोलंबर पर लोगों को रोकने का काम कर रही थी। ये प्रशासन का बयान है, तो उस रोकने के क्रम में अगर चोट लगी होगी तो वहाँ नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा। तो प्रशासन का बयान तो बेतुका है, मौत पे राजनीति करना चाहते हैं लोग सरकार के दबाव में आकर। हाई सिक्योरिटी जैसे श्रेणी में रहने वाले सांसद का सर फट जाता है, IGMS में भर्ती है, तो खुद आप इस बात के गवाह हैं कि जिस प्रकार की का कुकृत किया गया सांसद को, विधायक को। या आप एक फुटेज देखिए जिसमें अशोक यादव जो मधुबनी के सांसद हैं वो भाग रहे हैं और उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। सिग्रीवाल जी की घटना आपके सामने ही है, कितने विधायकों को चोट आई है, 65, 68 साल के 70 साल के विधायक उन पर प्रहार किया गया लाठियों के साथ। शीर्ष नेतृत्व की तरफ से क्या आगे निकल के सामने आया कि अब भाजपा में क्या नीतीश कुमार को लेकर क्या है? सवाल क्या है, तो पार्टी ने तय कर लिया है, हम अपने दम पे चलेंगे, अपने दम पे 25 में 24 में दोनों। स्वाभाविक रूप से हमारी लड़ाई अब होगी, NDA अपने पूर्वे के साथ चुनाव के मैदान में जाएगी। NDA जो है अपने जो सहयोगी दल है उनके साथ जो चुनाव मैदान में जाएगी, और जो पार्टी के जो नीतीश कुमार हैं वो अब NDA में शामिल होने के लिए गेट बंद हो गया। अभी हमने आपको नंदकिशोर यादव जो पूर्व में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, पथ निर्माण मंत्री भी रहे, उनको आपको सुनवाया और किस प्रकार से उन्होंने सांसदों को पीटे जाने की बात को लेकर कही और उसके बाद विधायकों के पीटे जाने की बात को लेकर कही है। फिलहाल आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरामैन दीप के साथ मैं संतोष पटना।